फिलहाल झारखंड के गढ़वा से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और चौड़ा किया जा रहा है, यहां रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। आज झारखंड को 12 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें कनेक्ट कर रही है। गंगा जी पर जो वॉटर वे बन रहा है उससे भी झारखंड कनेक्टेड है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये गैस पाइपलाइन झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यानी झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की
और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे?